भारत तो आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। भारत ऐसा तो है नहीं कि कोई आज का नाम है, वो तो राम भगवान के युग से चला आ रहा है। और मोदी जी ने ये काम करके बहुत अच्छा किया है, और मैं चाहता हूँ कि भारत से अच्छा हिंदुस्तान रख दें अगर मोदी जी, तो वो और अच्छा है। बस हिंदू रहे इस देश में, हम हिंदू राष्ट्र भी चाहते हैं, और भारत रख दिया बहुत अच्छा है। ये हमारे अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, ऐसे ही राजपथ को करके कर्तव्यपथ किया गया, मुगल गार्डन को अमृत उद्यान किया गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोदी जी कर रहे हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे ये सब कुछ, अंग्रेज़ों की जितनी भी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी निशानी है, सबको हटा देना चाहिए, और मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है गठबंधन ने इंडिया नाम रख लिया इसलिए बदल दिया। नहीं, उससे हमें क्या मतलब है, जब तक मोदी है तब तक तो कुछ हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, वही सब कुछ कर रहे हैं। और इंडिया ऐसा, इंडिया तो विदेशी नाम था ना हमारा, अपने अंग्रेजी तो हमारा कहीं नहीं है ना मूल में, हम तो इंडियन है, वो भारतीय हैं, हमें तो, हमारा तो मूल भारतीय है, तो हम तो भारत के नाम से बहुत खुश हैं। और इंडिया वो अपना गठबंधन का नाम जो भी रखें, उससे हमें क्या करना है, वो अपना जो करना है वो करें अपना। कहीं ना कहीं भारत नाम सही है, क्योंकि इंडिया जो नाम है वो ब्रिटिश का दिया हुआ है, अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, कहीं ना कहीं वहाँ से उनकी गुलामी की जो बू आती है वो आती है, और भारत बेस्ट नाम है, इनको यही रखना चाहिए। क्या कहते हैं, इंडिया नहीं करना चाहिए, इंडिया का नाम चेंज कर देना चाहिए, उसको भारत कर देना चाहिए। अच्छा, आपको कहा जा रहा है कि इंडिया टीम का भी नाम भारत कर दिया जाए, वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं। जब इंडिया का नाम चेंज करके आप भारत करोगे तो इंडिया टीम का नाम तो अपने आप ही भारत टीम हो जाएगा ना। वो इंडिया को भारत नहीं, हिंदुस्तान करना चाहिए ना, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है हिंदुस्तान। भारत के नाम को कैसे देखते हैं, कि कह रहे हैं कि अंग्रेजों का गुलामी का प्रतीक था इंडिया? हाँ, क्योंकि कई बार अगर आप पढ़ेंगे इंडियन, जो लोग बोलते थे पहले कि प्राउड टू बी इंडियन, पर अगर देखा जाए एक ब्रिटिश डिक्शनरी है उसमें बताया गया कि जो इंडियन होते हैं वो गवार, जाहिल, ऐसे ऐसे करके कुछ गंदे बेकार वर्ड थे वो। जी, इंडिया का नाम अगर भारत रखा जाता है तो मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो गवर्नमेंट को इससे महंगाई पे देना चाहिए, क्योंकि इंडिया और भारत तो दोनों एक ही चीज़ है। लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने इंडिया नाम दिया है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेज़ों ने इंडिया नाम दिया है। अगर मोदी सरकार भारत रखना चाहती तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि भारत से अच्छा है हिंदुस्तान रख दे, भारत से अच्छा वो हिंदुस्तान नाम रख दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इसके अलावा गवर्नमेंट को इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर काम करनी चाहिए इसको छोड़ के। तो आपको नहीं लगता भारत नाम ठीक है, इंडिया दोनों में कौन सा? नहीं, भारत और इंडिया तो एक ही बात हो गई ना, साइड सी बात है। अगर आप देखोगे तो दुनिया भारत से ज़्यादा इंडिया नाम से ही जानती है। अगर फॉरेन कंट्री की बात करोगे या फिर कहीं पर भी आप जाओगे, पूछोगे कि इंडिया के बारे में, वो जानते हैं इंडिया। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ेगा इंडिया या भारत नाम चेंज करने से। नहीं, मैं देख रहा हूँ ये मुद्दा आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। जब से इंडिया अलायंस बना है तो जो केंद्र सरकार है वो बहुत सारी चीज़ों का नाम, जो पहले इंडिया बोला जाता था उसे भारत करने में, तो ये चीज़ पहले भी हो सकती थी। हालांकि ये बात गलत है जो विपक्ष कह रहा है कि इंडिया से डर रही है मोदी जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भारत इंडिया दोनों एक ही चीज़ है, हम दोनों गर्व के साथ बोल सकते हैं, इंडिया भी हमारा भारत भी हमारा। लेकिन जो इस पर राजनीति चल रही है कि पहले इंडिया अलायंस के आने के बाद जो है प्रेजिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया, ये चीज़ गलत है। ये चीज़ पहले भी हो सकती थी मेरे ख्याल से, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे बहुत सारे नाम हैं, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, सोने की चिड़िया, सब गर्व के साथ बोलना चाहिए। राजनेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए हमें कि जो नेता बोल रहा है वही बोलना है, जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमारे देश के लिए अच्छा है वो बोलना चाहिए। जो देखो, अंग्रेजों की दी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सहारे हम लोग चल रहे हैं, जी रहे हैं। रेलवे इंडिया अंग्रेजों की दी हुई, उसे भी तोड़ दो फिर ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज़ अच्छी है वो अडॉप्ट करनी चाहिए हम लोगों को। इंडिया से ऐसी फीलिंग आती है जैसे सामने अंग्रेजों के ज़माने में जी रहे हो, और इंडिया से ऐसा होता है कि हमारा भारत, हमें लगता है कि हाँ खुद हमारा भारत है। मतलब इंडिया से ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि हम अभी अंग्रेजों के ज़माने में जी रहे हो, और भारत से ऐसा लगता है कि हाँ वो है, तो भारत ही बेस्ट है। लेकिन एक तरफ तो वोट करने वाले, तो देखो आजकल ऐसा है कि पार्टियां, आपको पता है कांग्रेस पार्टियां हैं, तुम काफ़ी कुछ ऐसा है, पर भारत जो है वो सबसे बेस्ट है। इंडिया है थोड़ा अलग ही, इससे फील आता है इंडिया से। आखिर आज बड़े बुजुर्ग से पूछोगे आने वाले टाइम में, तो मुझे जो अब आ रहा है टाइम उससे पूछोगे तो कहेगा इंडिया भी बेस्ट है। पर जो पुराने टाइम में है ना, भारत एक अच्छा लगा, ऐसा लगता है कि दिल से निकलता है कि हाँ भारत, फीलिंग लगता है कि कुछ करना चाहिए इसके लिए हमें, तो इंडिया बेस्ट नहीं है, हमें भारत ही अच्छा लगता है, भारत ही ठीक है, यानी कि जो चाहिए भारत ही होना चाहिए। और हमारे लोग भी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हो G20 है, दुकान भी बंद हुआ है, तो अच्छा है, ठीक है, ये बंद रहना चाहिए इनके लिए, क्योंकि एक साल बंदों ने घर बैठ के भी खाया है कोरोना के टाइम में, और सरकार ने, गवर्नमेंट ने मदद भी की है,
तो मैं मोदी सरकार को इतना अच्छा मानता हूँ, इतना अच्छा मानता हूँ जो हमारे क्योंकि मोदी कांग्रेस के टाइम पे तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, G20 हुआ कांग्रेस के टाइम पे कभी, और ये देखो बीजेपी के टाइम में वो काम हो रहा है जहाँ लाइट नहीं थी, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ भी लाइट वो कराई गई है। बट मैं दिल से कहता हूँ कि मोदी जी को धन्यवाद है हमें कि मोदी जी ने इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं। आजकल हमारे देश को जो जानता नहीं था वो भी जानने लगा कि हाँ हमारे और तरक्की इतनी हो रही है, इतनी तरक्की हो रही है कि मैं खुद कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे भी लाइट नहीं आती थी, अक्सर 8 घंटे 9 घंटे लाइट आती, अब 24 घंटे लाइट आती है। हमारे काफ़ी समस्या का समाधान किया है उस तरह के वगैरह हर चीज़ में, मैं कह रहा हूँ कि विरोधी टाइम वो है बहुत अच्छा है बात बोलिए। तो आप कहना चाहता हूँ आपसे कि तो जितना हो सकता है उसका सहयोग करें, G20 हो रहा बहुत बड़ी हमारा एक इतिहास है, G20 हो रहा है कभी लाइफ में तो हुआ नहीं है। अभी उन्होंने हमेशा कांग्रेस ने क्या सोचा है कि बस अंग्रेजों की ही, अंग्रेजों के टाइम पे कहाँ हुआ हमारे तो कुछ नहीं हुआ, भारत अब जो तरक्की करा है वो मोदी के ही राज में करा, मोदी जी के राज में। तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि मोदी जी ने ऐसे कदम उठाया और जा जाके अब हमारे देश में G20 आ रहा बहुत बड़ी बात है, हमें गर्व होता है इससे।